तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक हिडन सेटिंग या हिडन फीचर बताने वाला हूँ जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी के अंदर मिलता है। बहुत ही यूजफुल है, बहुत छोटा सा है बट बहुत ही यूजफुल है। इस फीचर का नाम है स्मार्ट सजेशन करके आपको एक फीचर मिलता है या एक सेटिंग मिलती है सैमसंग सेटिंग्स के अंदर, और जो कि बहुत यूजफुल है। कैसे इसको इनेबल करेंगे, कहाँ मिलेगा, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे नई अपडेट है सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया मैं आपको बता रहा हूँ स्मार्ट सेक्शन के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस का एडवांस फीचर्स, आपको वहां जाना है। वहां जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट सजेशन का, आपको दिख रहा होगा ये आपको बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, आपको इसको ऑन कर लेना है। अब इसको ऑन करने से फायदा क्या होगा, ये आपको सजेशन देगा हर एक्शन का। जब भी आप इसको अनेबल करके रखेंगे तो आपको हर ऐप में ये धीरे धीरे सजेशन दे सकते। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ गेट सजेशन फॉर यूजफुल एक्शन सच एज कैलेंडर, इवेंट टू ऐड, मैसेज टू सेंड, बेस्ड ऑफ योर यूज योर फोन टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। ये हर तरीके से आपको नोटिफिकेशन देता है। ये आपको सैमसंग कीबोर्ड में देगा, कैलेंडर में देगा, रिमाइंडर में देगा, मैसेज में देगा और सेटिंग्स में देगा। अब किस तरह के आपको सजेशन देता है वो आपको बताता हूँ। लाइक मान लो आपके किसी ने कोई ओटीपी भेजा है तो वो आपको ओटीपी का सजेशन आपको मैसेज में मिल जाता है और आप डायरेक्टली आप ओटीपी को कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई मैसेज को या किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं उसके अंदर कोई लिंक है तो वो लिंक को अलग अलग कर देता है कि आपको लिंक खोलना है या मैसेज खोलना है, वो सबको कंबाइंड कर देता है। उस तरीके से आपको सजेशन मिलते हैं, आपको उसको ऑन कर लेना है। अब सबसे पहले बता दूँ सेटिंग्स में सजेशन कैसे मिलता है। अगर आपने इसको इनेबल कर रखा होगा तो आपने देखा होगा कभी सेटिंग्स में आपको ऐसा दिखता है, ऐसा भरा हुआ दिख रहा है, तो ये सजेशन होता है। ये इसी की तरह से सजेशन आपको मिलता है सेटिंग्स के अंदर। कोई सेटिंग्स में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सेटिंग्स को रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको ये सजेशन ऐसा देता है। तो इस तरीके से सजेशन आपको मिलते हैं। और अगर बात करें मैसेज में, मैसेज में अगर मान लो किसी ने कुछ, जैसे मान लो ये प्रीव्यू देखने के लिए आपको सजेशन दे रहा है, ये आपको यहाँ पर सजेशन दे रहा है कि अगर आपको प्रीव्यू देखना चाहे, तो इस तरीके से जो सजेशन होते हैं ना ये सब आपको स्मार्ट सजेशन ही देता है। और भी मान लो अगर आपके पास कोई मैसेज दूसरा तरीके से आया है तो वो भी आपको सजेशन यहाँ पर आपको देता है। तो इस तरीके से सजेशन जो रहते हैं ये आपको यहाँ पर आपको देता है। और तो यहाँ पर मैंने एक लिंक कॉपी कर रखा है और उसमें कुछ टेक्स्ट भी है और कुछ लिंक भी है। अब उसके लिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मान लो व्हाट्सएप पे चला गया तो मैंने यहाँ पर कुछ कॉपी कर रखा है जिसके अंदर लिंक्स भी हैं और कुछ टेक्स्ट भी है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। अगर से मुझे लिंक की लिंक कॉपी करना है तो उसमें स्मार्ट सजेशन का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, आप देख रहे होंगे। और इस पर जैसे लिंक क्लिक करूंगा सिर्फ लिंक की लिंक रह जाएगा। और अगर दूसरा मुझे चाहिए रहता है तो दूसरे तरीके से यहाँ पर करता तो वो यूज होता। मतलब कि ये आपको खुद स्मार्ट सजेशन देता है कि आपने कहीं कॉपी करा है तो आपको सिर्फ लिंक की ही जरूरत होगी मुझे लगता है, तो आपको वहां पर सजेशन दे देता है और ओटीपी का सजेशन देगा। और मान लो अगर आपके कोई मेल्स आते हैं या कुछ आपने कुछ मैसेज पर टाइप करते रहते हो कि आज मेरे को कहीं मीटिंग्स में जाना है या मेरा कुछ मीटिंग है कल या मेरा 15 कभी भी डेट को, तो ऑटोमेटिक आपको सजेशन दे देगा कि आपको रिमाइंडर सेट कर लो, इसका कैलेंडर सेट कर लो। ये छोटे छोटे फीचर्स आपको अभी ऐसे दिखेंगे नहीं पर रियल में काम आते हैं। कीबोर्ड का आपको मैंने आपको बताई दिया, एक बार फिर से बताता हूँ। देख सकते हैं जैसे कि मेरे व्हाट्सएप पर मेरा ये चैनल है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, ठीक है। ये मैंने पूरे टेक्स्ट को कॉपी किया, आप देख सकते हैं इसमें टेक्स्ट भी है और आपका URL भी है। अब मैं आ गया हूँ यहाँ से बैक चैट पे आ गया और अब मैंने यहाँ पर इसको खोला तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो यहाँ पर डॉट बना हुआ दिख रहा है वो स्मार्ट सिलेक्शन का है, क्योंकि स्मार्ट सिलेक्शन का यही साइन होता है। और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो सिंपल पूरा टेक्स्ट आ जाएगा और वहां पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ मेरे को URL ही दिखेगा। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है। और इसके साथ एक आपको एक विजार्ड्स में मिलता है सैमसंग स्मार्ट सिलेक्शन का, स्मार्ट सजेशन का, जो कि सैमसंग A52s में नहीं मिलता। एफ में आपको वॉर्न करता है कि सेटिंग्स में अगर आपके कुछ दिक्कत है तो आपको वॉर्न करके बता देगा कि आपको यहाँ पर ये सजेशन चाहिए। तो इस तरीके से सजेशन देता है। तो नॉर्मल सी वीडियो है, मेरा कोई ऐसा कोई ज़्यादा खास नहीं है, बट इसको आपको इनेबल करना चाहिए, सेफ्टी के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो बड़े सही कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले मिले। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।